भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद हो। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी इससे वो भाग रहे थे, डर रहे थे। अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई हैं उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था, और इसलिए संसद में हो हल्ला करो, नारेबाजी करो, स्पीकर महोदयों पर कागज के टुकड़े फेंको, यही काम करते रहे। अरे म्युनिसिपैलिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचते हैं। देश आज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है।